हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में वापस आए हैं। ये अपना चैनल, यह चैनल आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि अलाइज ब्लू में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको हर एक कॉमोडिटी के लिए, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, तो ये सब में आपके अकाउंट में कितना मार्जिन होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, उससे रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। चाहिए तो आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा कि आप कोई भी वीडियो के नीचे क्लिक कीजिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो कि आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा अकाउंट ओपनिंग का। यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, मोबाइल नंबर डाल के आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप कंपेयर करोगे तो कॉमोडिटी में ट्रेड करने के लिए सबसे लोएस्ट मार्जिन आपको अलाइज ब्लू में मिलेगा। तो अगर आप कॉमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया है। ठीक है दोस्तों। और एक और बात ये बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में देखो हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइंट हो जाइए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब हमको ये बताना है कि आज जो हम कंटेंट लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है। बट याद रखिए दोस्तों, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। हम नॉर्मली देखो जो बिगिनर्स होंगे या न्यू होंगे कॉमोडिटी मार्केट में, उनका यही प्रॉब्लम होता है कि उन्हें ये पता नहीं होता कि कॉमोडिटी में ट्रेड तो करना है बट प्रॉफिट या लॉस कितना हो सकता है अगर हम किसी कॉमोडिटी में ट्रेड करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करोगे तो ये वीडियो आपको जल्दी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अब एक एक पार्ट को बहुत बारीकी से देखिए दोस्तों। देखो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट रखा है कि आप कौन से कॉमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने नाम दिया है एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, लीड, नेचुरल गैस, निकल, सिल्वर एंड जिंक। ठीक है दोस्तों। अब चीज़ें याद रखिए। देखिए यहाँ पर ये वाला जो सेकंड वाला है, प्रॉफिट लॉस मेड फॉर एवरी 1 रुपीज़ चेंज। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि अगर समझो अगर हम लोग सिल्वर में ट्रेड लेते हैं, अगर 1 रुपया अगर ये ऊपर गया तो आपको 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर 1 रुपया नीचे चला गया तो आपको 5,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब यही है। अब कॉपर में देखोगे अगर 1 रुपीज़ ऊपर चला गया तो आपको 2,500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया नीचे गया तो 2,500 का लॉस होगा। क्रूड ऑयल में आप देख सकते हो 1 रुपीज़ चेंज हुआ तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस। गोल्ड में 100 रुपीज़, गोल्ड एम में, ठीक है, गोल्ड मिनी में आप देखोगे 1 रुपीज़ ऊपर गया तो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। लीड में आप देख सकते हो, नेचुरल गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की तारीख में ज़्यादा ट्रेड होता है, तो नेचुरल गैस में अगर 1 रुपीज़ अगर ऊपर चला गया तो 1,250 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सिल्वर देखिए, ठीक है, बिग सिल्वर 1 रुपया ऊपर गया तो यू विल गेट 30 रुपीज़, और सिल्वर मिनी अगर लेते हो तो आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, 1 रुपया चेंज होगा तो। ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो लॉट साइज़ हमको सभी का दिया हुआ है। देखो सिल्वर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 30 kg दिया हुआ है लॉट साइज़, तो 1 रुपया अगर ऊपर गया तो यू विल गेट 30 रुपीज़। सिल्वर मिनी में अगर देखोगे तो 5 kg, इसका मतलब 1 रुपया ऊपर गया तो यू विल गेट 5 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। तो ये एक पार्ट हो गया कि 1 रुपया अगर चेंज होता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ये है टिक साइज़। अब ये टिक साइज़ है क्या? ठीक है, जो बिगिनर्स है, जो फर्स्ट टाइम जो कॉमोडिटी में ट्रेड करने वाले, उनको मैं बता दूँ कि टिक साइज़ का यहाँ पर ये मतलब होता है कि जब भी अगर हम लोग समझो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कोई भी शेयर का प्राइसेस अगर आप देखोगे तो वो 5 पैसा ऊपर जाएगा या 5 पैसा नीचे आएगा। इज़ इट क्लियर? तो उसको मिनिमम टिक साइज़ बोला जाता है। कभी आप देखोगे ऐसे स्टॉक में तो 4 पैसा, 3 पैसा, 2 पैसे का मूवमेंट नहीं होता, या तो वो 5 पैसा ऊपर जाएगा या तो 5 पैसा नीचे जाएगा। तो वो जो 5 पैसा है दैट विल बी नोन एज व्हाट, टिक साइज़। उसी तरह कॉमोडिटी में भी टिक साइज़ अलग अलग होते हैं, तो ये टिक साइज़ जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एल्यूमिनियम में अगर आप देखोगे तो टिक साइज़ यहाँ पर 5 पैसे का है, ठीक है। कॉपर में देखोगे तो 5 पैसे का, क्रूड ऑयल में, गोल्ड में और सिल्वर में इसका टिक साइज़ है 1 रुपीज़ का।
मतलब ये 1 रुपया ऊपर जाएगा या तो 1 रुपया वो नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है। लीड में देखोगे तो 5 पैसा, नेचुरल गैस और निकल में आप देखोगे तो टिक साइज देखिए यहाँ पर 10 पैसे है, मतलब वो 10 पैसे ऊपर जाएगा या 10 पैसे नीचे जाएगा। यहाँ 5 पैसे का मूवमेंट नहीं होता, यहाँ मूवमेंट होता है 10 पैसे का, 10 पैसा ऊपर जाएगा या तो 10 पैसा नीचे जाएगा, ठीक है। तो टिक साइज जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, तो इसके लिए हमने ये पार्ट इसमें कवर किया है। अब दूसरी बात कि जब भी आप एंट्री लेते हो तो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप प्रॉफिट कितना बुक करके जाना चाहोगे, तो टिक साइज सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पे प्ले करता है। तो आप देखोगे अगर 5 पैसे का अगर मूवमेंट होता है या 5 पैसा ऊपर गया तो आपको एल्यूमिनियम में 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर कॉपर में 5 पैसा ऊपर गया तो आपको 125 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। गोल्ड, मेगा और क्रूड में, ये दो पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1 रुपये का मूवमेंट होगा तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। गोल्ड मिनी में 1 रुपया ऊपर गया तो आपको 10 रुपया मिलेगा। लीड में 5 पैसा ऊपर गया तो आपको 250 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। नेचुरल गैस में 10 पैसा ऊपर गया तो आपको 125 मिलेगा, ठीक है। और वही अगर 1 रुपीज़ ऊपर गया तो 1250 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो ये टिक साइज जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो बिगिनर्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि और किसी चैनल पे आपको ये इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, टिक साइज़ और ये 1 रुपीज़ चेंज का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि सबसे कम मार्जिन में, ठीक है, अगर आप ट्रेड कर सकते हो कॉमोडिटी में तो आपको अलाइज ब्लू का अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, और आपको लगता है कि सच में इसमें कम मार्जिन है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकती है, अलाइज ब्लू मार्जिन अपडेट फॉर कॉमोडिटी क्रूड सिल्वर गोल्ड नेचुरल गैस और कॉपर के लिए, ठीक है दोस्तों। और चीज़ें याद रखिए दोस्तों, हमने और भी वीडियो अपलोड की है कि अगर आपको कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर अगर यूज़ करना है तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल हमने ये वीडियो में डाला है। देखिए आप कॉमोडिटी मार्केट में भी ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर को यूज़ कर सकते हो, तो जाके ये वीडियो को भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।